हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप लोग की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ तीज स्पेशल डिज़ाइन बनाई जाए, तो मैंने आपके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को तैयार कर दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिटिंग पोजीशन में जब भी हम कोई फिगर को बनाते हैं तो उसके प्रोपोर्शन को हमें कुछ इस तरह से बनाना है। हेड से लेकर हिप तक के पोर्शन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हेड, सेकंड में वेस्ट और थर्ड में हिप का पोर्शन आएगा। हेड पार्ट को भी हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जिसमें हेड, फॉरहेड, नोज, लिप, चिन एंड नेक आएगा। चलिए इसी पोर्शन का यूज़ करते हुए हम हाथों में फिगर को बनाना सीखते हैं। पाम के मिड एरिया में फिंगर से अबाउट 1 इंच के डिस्टेंस पर हमको एक पॉइंट मार्क करना है और उसी की सीध पे जहाँ तक हमें गर्ल के फेस को बनाना है सेकंड पॉइंट मार्क करेंगे। इसी एरिया के अंदर हमें गर्ल को सिटिंग पोजीशन में बनाना है, तो इसे भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फर्स्ट पार्ट में नेक के स्पेस को हल्का सा छोड़कर फेस के लिए पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्नर के पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे, उसके बाद इन दोनों पार्ट्स के भी मिड पॉइंट मार्क कर देंगे। हमने फेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेकंड पॉइंट से हमें कर्व करते हुए फॉरहेड बनाना स्टार्ट करना है, फिर 45 डिग्री पर नोज को बनाना है, उसके बाद नोज से हल्का पीछे लिप्स और लिप्स से हल्का पीछे चिन को बनाना है। फॉरहेड और नोज के मिड में हम आइज को बनाएंगे। आइज बनाने के बाद हमको माथे पे मांग टीके को बनाना है कुछ इस तरह से राउंड करते हुए। उसके बाद नोज़ और आइज़ के बीच का जो एरिया है वहाँ पर ईयर्स को बनाएंगे। इस तरह से शीर्ष पट्टी को कानों के पीछे की तरफ से जॉइन कर देंगे और यहाँ पे ईयरिंग्स का भी लुक दे देंगे। सर्किल बनाते हुए हम इसके हेड को बना देंगे। चिन के थोड़ा सा पीछे हमको इस तरह से नेक को बनाना है। उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ झुके हुए हम शोल्डर्स को बनाएंगे और फिर उसके बाद हम जूड़े के शेप को बनाएंगे। बॉडी का जो सेंटर पार्ट होगा वो नेक के बीच से होता हुआ जाएगा, तो हम कुछ इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और इसी पॉइंट का ध्यान में रखते हुए हमें नीचे के बॉडी पार्ट्स को बनाना है। गर्ल हमारी हल्की सी तिरछी बैठी हुई, तो उसके एक पार्ट को हमें इस तरह से कर्व करते हुए थर्ड पॉइंट तक ले जाना है और नेक्स्ट पार्ट को हम इस तरह से स्ट्रेट बना देंगे। फिर उसके बाद ऐसे कर्व करते हुए लहंगे का फ्रंट पार्ट बनाएंगे। हिप पार्ट को हम कुछ इस तरह से कर्व करते हुए फोर्थ पॉइंट तक ले जाएंगे और इसकी दूसरी साइड को हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से ही हमें इस कर्ल को बेंड करते हुए लुक में बनाना है, तो उसके लिए हम एक साइड को इस तरह से बनाएंगे और दूसरी साइड जो है उसको इस तरह से ऐसे दिखाना है हमें कि जैसे कि इस कर्ल जो है हवा में फ्लॉट कर रही हो। इस कर्ल के नीचे के पार्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद इसी को ध्यान में रखते हुए हम नीचे की फ्रिल्स को बनाएंगे इस तरह से। झूले को बनाने के लिए हम इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइंस यूज़ करेंगे जो एक दूसरे के पैलर्स होंगे और उसके बाद इनके कॉर्नर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। एक लाइट लाइन का यूज़ करते हुए हम झूले की रस्सी को बनाएंगे और फिर इसी रस्सी को पकड़ते हुए हाथों को बनाना है। तो इसके हाथ को हम कुछ इस तरह से वी शेप में करते हुए बनाएंगे। शोल्डर्स के पास हमें हाथ को थोड़ा सा मोटा रखना है और कलाई के पास थोड़ा सा पतला। हाथों के लिए हम सबसे पहले इस तरह से थंब को बनाएंगे, फिर ओवल शेप देते हुए चारों उंगलियों को बना देंगे। अब हम बैंगल्स को बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट हैंड को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम चुन्नी को कुछ प्लॉट करता हुआ दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर से हमको कुछ इस तरह से चुन्नी का लुक देना है और उसके बाद उसके हैंड्स को बनाना है। सेम इसी तरह से हमको इधर भी इसके हैंड्स को बना देना है। हैंड्स को ड्रॉ करने के बाद हम गर्ल की चुन्नी को बनाएंगे। तो इसकी जो चुन्नी होगी वो झूले से थोड़ा सा आगे की तरफ होगी, तो सबसे पहले हम इसकी चुन्नी का लुक देंगे। तो इस साइड में हमको चुन्नी को इस तरह से बना देना है। तो जिस डिस्टेंस में हमने इस एक साइड में चुन्नी को बनाया है, सेम उसी डिस्टेंस को लेकर के हमें दूसरी साइड भी चुन्नी को फ्लॉट करते हुए बना देना है। इसके बाद हम झूले के पार्ट को भी बना देंगे। अब ब्लाउज़ को बनाने के बाद हम पूरी इसकी आउटलाइन को कम्प्लीट कर देंगे। तो कलाई से 1 फिंगर के डिस्टेंस में हम बॉर्डर को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 3 लाइंस बना रही हूँ और उनको बनाने के बाद हम का पैटर्न ऐड करके हम फ्लावर को बनाएंगे। तो इस एरिया में आप किसी भी तरह के फ्लावर या फिर लीव्स का पैटर्न यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हमें ये दिखाना है कि झूला जो है वो ट्री से कनेक्टेड है। आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हो। कुछ फ्लावर्स को आप थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हो, कुछ को छोटा और कुछ को बंचेस में भी दिखा सकते हो। फ्लावर को बनाने के बाद हम फ्लावर के ऊपर से कुछ इस तरह से थोड़ा सा स्पेस ऐड करेंगे और फिर इसको फिल कर देंगे। अब हम लीव्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले जिस भी डायरेक्शन में हमको लीव्स का लुक देना है उस डायरेक्शन में इस तरह से कर्व बनाएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ से लीव्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। नीचे की तरफ लीव हमें थोड़ा सा मोटा रखना है और ऊपर आते आते पतला करते जाना है।
तो जहाँ जहाँ पे भी हमको स्पेस दिख रहा है वहाँ पर हम इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लीव्स का बॉर्डर बनाएंगे, तो 45 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसको स्ट्रेट कर देंगे। सेम डिस्टेंस रखते हुए हमें सारी की सारी लाइंस को इस तरह से बनाते चले जाना है। फिर उसी की सीध में दूसरे पार्ट को भी सेम चीज़ से रिपीट करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव स्पेस में हमने लीव का बॉर्डर तैयार कर लिया है। कुछ लाइंस को हम डार्क कर देंगे और फिर नीचे के बॉर्डर को कंप्लीट करने के लिए हम और 3-4 लाइंस को बनाएंगे। हम्स को बनाने के बाद हम इसके इन पार्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्पाइरल्स और लीव्स के पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ, तो प्रेशर को कंट्रोल करते हुए आपको इन लीव्स को जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ वैसे वैसे बनाते चले जाना है। बॉर्डर को कंप्लीट करने के बाद हम फिगर में फिलिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीचे पार्ट में हम्स का शेप देना है और सेम इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हमें इसकी चुन्नी को भी बना देना है। अब हम स्कर्ट के अंदर डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमने स्कर्ट को बनाया है उसी की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें अंदर की लाइंस को बनाना है। जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप इसकी लाइंस को बनाएं। लाइंस को ऐड करने के बाद हम लहंगे की बॉर्डर को इस तरह से बना देंगे। बॉर्डर को फिल करने के लिए आप किसी भी तरह के पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर स्लीव्स का यूज़ करते हुए एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। अब हम लहंगे में शेड करेंगे, तो जैसे हमने लाइंस बना रखी हैं उसी की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए लाइट प्रेशर के साथ हमको इस तरह से लाइट लाइशा शेड करना है। इस तरह से हम पूरी की पूरी स्कर्ट में कॉर्नर्स में शेड करते चले जाएंगे। सेम इसी प्रोसेस को हमें चुन्नी में भी रिपीट करते चले जाना है। यहाँ पे ऊपर शेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो हमने बीच में लाइंस बना रखी है उनके कॉर्नर्स में शेडिंग करेंगे और बीच की स्पेस को हल्का सा फ्री छोड़ देंगे। इसके बाद हमें फिगर के कुछ एरियाज़ को फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर को फिल कर रही हूँ और उसके बाद मैं हेयर्स और चुन्नी के भी साइड एरियाज़ को फिल करूँगी। झूले में शेडिंग देंगे और शेडिंग देने के बाद हम पूरे के पूरे फिगर को फिर से आउटलाइन कर देंगे। स्कर्ट और चुन्नी में हम इसके लुक को और इन्हांस करने के लिए कुछ डॉट्स का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम इस तरह से आउटलाइन करते हुए पूरे के पूरे फिगर को कंप्लीट कर देंगे। फिगर में जहाँ जहाँ पर भी हमको थोड़ा सा स्पेस खाली दिख रहा है वहाँ पे मैं इस तरह से स्टार पैटर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिंगर के एरिया में जितना स्पेस अवेलेबल है मैं उसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन को बना रही हूँ। आप चाहें तो उंगलियों को कम्प्लीटली फिल कर सकते हो या फिर इस तरह से फ्लावर पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर नीचे वाले बॉर्डर से मैच करता हुआ उंगलियों में पैटर्न बना रही हूँ। सारी उंगलियों में फ्लावर्स बनाने के बाद हम इसको फिल कर देंगे। फिंगर्स को फिल करते हुए हम डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल वर्क के लिए फाइन टिप की कोन बनानी सीखनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने इसमें पूरी कोशिश की है आपको सिंपल तरीके से चीज़ें समझाने की। इसको आप ट्राई करिए इस स्टेज पे और सेंड कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं भी आपका वर्क देखना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।